हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज राजश्री हियर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइंड मिल्क केयर रूटीन एट होम। सो इजी प्रोसेस है, इजी स्टेप है, आप सब कोई कर सकते हैं। यस, सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। As you can see, my nails are so small, baby like nails. क्या करे, भगवान ने ऐसा दिया है तो ठीक है, हम लोग इसमें खुश है। तो पहले आपको जो आपके नेल्स में नेल पॉलिश ऑलरेडी लगे हुए हैं उसको साफ करना है। मैं यहाँ पे नेल रिमूवर यूज कर रही हूँ, नेल रिमूवर पैड्स। काफी स्मेली है ऐसी, जिनके आपको वाइप करना है। तो मेरे नेल साफ हो गए हैं। मैं एक ही हाथ पे लगाई थी नेल पॉलिश, सो नॉट ए बिग डील। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बॉयल में लुकवार्म वाटर लीजिए और उसपे आप शैम्पू वगैरह या फिर हैंड वॉश कुछ भी डाल सकते हैं। उसपे अपने नाखूनों को 5 मिनट या फिर 2 मिनट तक भिगो के रखिए, ताकि नेल से सारी गंदगी भी निकल जाए और आपके नेल्स थोड़े सॉफ्ट भी हो जाए। नाखूनों को भिगो के रखने के बाद आप कोई भी टॉवल से उसको वाइप कर सकते हैं, ड्राई कर दीजिए। तो इसके बाद हमारे नेल्स ड्राई हो चुके हैं। तो नेल्स ड्राई होने के बाद आप कोई सा भी उसमें मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, लाइक वेसलिन वगैरह। तो यहाँ पे इसे क्यूटिकल्स में लगा दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके नेल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और मॉइस्चराइज भी रहेंगे। तो ऐसे करके एक एक सारे में लगा लीजिए नाखूनों में। क्यूटिकल्स में भी लगाना मत भूलिएगा। वो जो नील रिमूवर का सेंट आ रहा है, मुझे ना सीरियसली अच्छा नहीं लग रहा है अभी तक आ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग ट्रिम कर लेंगे नेल्स को अपने मनपसंद शेप में। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम कर रही हूँ। ट्रिम करने के बाद फाइल कर दीजिए। मेरे पास तो अभी फाइलर नहीं है, लेकिन मैं नेल कटर के पीछे से यहाँ पे कर लूंगी, मेरा हो जाएगा। मुझे ज्यादा फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सो नेचुरली मैं उनको ट्रिम करते वक्त ही सेप दे देती हूँ। तो थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी बचता है उसको फाइल कर देती हूँ, लाइक दिस।
एक ही डायरेक्शन से करना है। तो ट्रिम होने के बाद मेरे नेल्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। सॉरी, मैं बार बार उल्टा ही दिखा रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ। तो अभी आप लोग नोटिस कीजिएगा, आपके जो नेल्स के साइड साइड में यहाँ पे होते हैं थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा लेयर जो निकल आते हैं, आप उसको भी नेल कटर से ट्रिम कर सकते हैं। हो गया। तो फिर अभी जब नेल्स हमारे सॉफ्ट हैं, तो आप अगर चाहे आपके पास या फिर नहीं है क्यूटिकल पुशर, तो आप इसे मुझसे देख के नाखूनों से भी कर सकते हैं। ये जो नाखून है हमारे, इसको ऐसे नाखूनों से धीरे धीरे पुश कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे पीछे चला जाता है और वो जो एक्स्ट्रा टिश्यू रहता है वो निकल जाता है। खुद ट्राई करके देखिए और फिर रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल हल्का हल्का जेंटली पुश करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, लाइक दिस। और वो जो एक्स्ट्रा टिश्यू है यहाँ पे जमा हो जाता है, वहां पे वो जो रह जाता है एक्स्ट्रा टिश्यू, वहां को निकाल दीजिए ऑर्डली सेटिस्फाइंग। याद रखिए, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीजें हैं, नाजुक लेयर है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो ज्यादा प्रेशर मत लगाए, नहीं तो खून भी निकल सकता है। इससे में क्या होता है ना, जिनके भी छोटे छोटे नेल्स है मेरे जैसे, वो थोड़ा क्यूटिकल पुश करने के बाद थोड़ा नेल्स का लेंथ थोड़ा ज्यादा लंबा दिखता है, तो अच्छा लगता है। ओके, जो रिमेनिंग टिश्यू यहाँ पे है वो आप उसको नाखून से निकाल सकते हैं ऐसे करके। अब जब ये हो गया, तो आप अगर चाहें तो अभी नाखूनों को पानी में से धो सकते हैं, या फिर आप टॉवल से वाइप कर सकते हैं वो जो रिमेनिंग टिश्यू है, लाइक दिस। अभी हो गया, अभी आप अपने नाखूनों में मनपसंद रंग भर दीजिए। तो नेल पॉलिश लगाने के बाद मेरे हाथ कुछ ऐसे दिख रहे हैं। मुझे पता है मुझे अच्छे से नेल पॉलिश लगाना नहीं आता है, बट आई स्टिल ट्राई इट, सो पिंग पिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। या दैट्स इट, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।